वेलकम टू कुकिंग होम। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की मिठाई। और इसके लिए देखिए, मैं जो प्रोडक्ट ली हूँ वो है दूध है, चीनी है, मावा है और नारियल बुरादा है। देखिए, मैं इसको पैन गर्म हो गया है मीडियम फ्लेम पे, और पैन में मैं 2 गिलास दूध डाल रही हूँ। और दूध देखिए, दूध आप 1 गिलास भी डाल सकते हैं, जितने अकॉर्डिंग आपको नारियल का लड्डू बनाना है, नारियल मिठाई बनाना है, लेकिन दूध आप 1 गिलास में भी बना सकते हैं। मेरा 100 ग्राम नारियल का बुरादा है, जिसको हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। ये बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाता है। देखिए, दूध में गर्म कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे, जब तक इसमें उबाल आ जाए तो मैं इसमें 1 बाउल चीनी मिला दी हूँ। चीनी भी आपने टेस्ट अकॉर्डिंग ही डालिए, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मिठाई है तो मिठाई तो मीठा ही होना चाहिए। इस वजह से मैं इसमें चीनी मिला के पूरी तरह से मिक्स करूँगी, जब तक ये मिक्स ना हो जाए। और इसमें मैं बोली ना कि दूध आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, मैं इसको मिक्स करूँगी, इसमें जब उबाल आएगा तब तक मैं चलाती रहूँगी मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें देखिए, मैं घर में ही 1 चम्मच मावा निकाली हूँ, घर में ही मावा तैयार की हूँ दूध से। आप चाहें तो मावा, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से मावा नहीं, मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर बाज़ार में इजली मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है किसी दुकान में, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो ये मावा मैं डाली हूँ, चूँकि मैं घर में ही निकाली हूँ। और मावा आप जो, मैं मावा भी ऐसे डाल दी हूँ, इसे मिक्स कर रही हूँ, ऐसे बबल्स पड़ जाएंगे। लेकिन आप चाहें तो मावा को क्रश के भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो मावा को क्रश के इसमें डाल लीजिए। देखिए, मैं इसको पूरी तरह से मिक्स करूँ, क्योंकि मावा मैं ऐसे 1 चम्मच डाल दी हूँ, इसे मैं पूरी तरह से इसको मिक्स करूँगी। और चला रही हूँ मैं हाई मीडियम फ्लेम पे ही। और जब इसमें उबाल पूरी तरह से आ जाएगी, आ रही है, तो मैं इसमें मिलाऊंगी वही जो नारियल का बुरा था, जिसको हमें मिठाई बनानी है, यानी मुझे मिठाई बनानी है। मैं 2.5 बाउल नारियल का बुरादा मिक्स करूँगी, मेरा कुल मिला के 100 ग्राम। तो मैं मिक्स कर रही हूँ, जितना अकॉर्डिंग मिठाई बना रहे हो अकॉर्डिंग आप मिक्स कर लीजिए। मैं इसमें नारियल का बुरादा मिक्स कर रही हूँ, इसको मैं चलाऊँगी। मैं जब तक इसको चलाऊँगी, जब तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पर रखूँगी, जब तक ये पूरे दूध एब्जर्व ना कर जाए। जब दूध एब्जर्व कर जाएगा तभी मिठाई बनेगी और खाने में आपको टेस्टी भी लगेगी। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको चला रही हूँ। देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी इलायची मिक्स कर दी हूँ, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसमें। और मैं इसमें इलायची मिक्स कर दी हूँ और मैं इसको चलाती जा रही हूँ। मैंने कहा ना कि जब तक दूध पूरा एब्जर्ब न हो जाए तो हमारी मिठाई नहीं बनेगी, इसलिए दूध को पूरा जलाना है इसमें और इसको चलाते रहना है। और दूध आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ, आप कम भी ले सकते हैं। और ये देखिए, फास्टिंग में खाने के लिए ना बहुत बेस्ट है, फास्टिंग में खाइए, भगवान जी को भोग भी लगा सकते हैं। राखी आ रही है, राखी में खाइए, बनाइए मिठाई घर में, खाइए खिलाइए। देखिए, मैं 1 चम्मच इसमें छाली दूध की डाल रही हूँ, और आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। अगर घी और छाली नहीं है तो पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसको डालना जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरी मिल्क प्रोडक्ट ही है, इसमें जो भी है सारा दूध का ही है ये, तो इसलिए खाने में बहुत प्रोटीन है इसमें, इसलिए इसको बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए, इंजॉय कीजिए। और देखिए, ये बनते जैसे से ये गाढ़ा होते जाएगा, इसको और गाढ़ा करेंगे हम, पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लेगा। जब डेसिकेटेड कोकोनट जब पूरा बढ़िया से दूध एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा तैयार हो जाएगा नारियल की मिठाई, जो हम इसको मैं इसमें तैयार कर रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, मैं चलाती जा रही हूँ, कंटिन्यू मैं इसको चला रही हूँ, क्योंकि बीच नीचे में लगे नहीं, हालांकि जलेगा नहीं, फिर भी मैं इसको चलाते जा रही हूँ। इसको मैं चलाती रहूँगी, देखिए पूरा देखिए राबड़ी की तरह हो गया ये, इसमें राबड़ी जैसा लग रहा है ये देखने में। और इसको मैं, ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगेगा नारियल की मिठाई। और जो इतना ये बेनिफिट इसका जो है, वह तो आपको पता ही है,
क्योंकि दूध तो हर इंसान को पीना ज़रूरी है, दूध के प्रोडक्ट हर आदमी को खाना ज़रूरी है, जो सबको खाना चाहिए। और जब क्योंकि ये मिठाई है तो बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे। और आपकी रक्षाबंधन आ रहा है, राखी आ रहा है, तो उसमें तो खाना खिलाइए। जो बाहर की मिठाई नहीं पसंद करते हैं घर में आराम से बना लेंगे। इसके लड्डू भी बनती है, जो थोड़ा हम कम उसकी प्रोसेस कम है लड्डू की। देखिए मैं अब इसको पूरी तरह से जब मैं ये पक गई है, मतलब तैयार हो गई है, तो मैं इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको किनारे करके फैला के मैं 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी। समय मैं पूरी तरह से इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब ये पूरी तरह 20 मिनट ठंडी हो जाएगी तो आप इसमें बादाम पिस्ता भी क्रश के डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें जब मिठाई तैयार हो जाएगी, देखिए 20 मिनट हो गई है तो मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर लेती हूँ और दोनों भाग में एक में मैं थोड़ा सा फूड कलर हल्का सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मन हो तो कीजिए, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। यह कलर चेंज करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ और मैं इसको पूरा तरह से मिक्स कर लूँगी फूड कलर इसमें जो ये देखिए। अब मैं इसको घी या फिर दूध के थ्रू इसको बनाऊँगी। हाथ में थोड़ा सा घी या दूध लगा लूँगी और सेप आपका अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सेप पसंद करते हैं, बच्चे कैसा पसंद करते हैं, सर्कल, डायमंड, रिंग टिंगल या फिर गोल गोल लड्डू की तरह, आपको जो इजी बन जाए, इजली लगे, वैसे सेप आप इसको दे सकते हैं। और ये जब ठंडा हो जाएगा ना आधे घंटे बाद, तो खाने में और टेस्टी लगेगा। देखिए ये बनाने के बाद आप चाहें ना तो नारियल बुरादा जो सूखा हुआ पाउडर रखे हो तो आप उसमें ऊपर से लिपट सकते हैं या फिर घिस सकते हैं, उसमें ऊपर से छिड़क भी सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस मिठाई को ऊपर से उसमें नारियल बुरादा भी डाल सकते हैं, जो आप सूखा अगर रखे हुए हैं तो ऊपर से इसको डाल सकते हैं। ये देखिए मिठाई पूरी तरह से तैयार हो जाएगी हमारी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप बनाइए, खाइए, जो भी है सारा विटामिन प्रोटीन इसमें है, क्योंकि सारा मिल्क से इन्वॉल्व है ये, तो इस वजह से ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए मैं बोली ना कि इसमें आप सूखा जो ड्राई नारियल का बुरादा रखे हुए हैं तो उसमें से उसमें आप उसको समेट सकते हैं मिठाई को, ये सेप देने के बाद उसमें लिपट सकते हैं ऊपर नीचे।